एचएल टीवी न्यूज। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने वाहन चोर गिरोह और मोबाइल झपटमार गिरोह के 7 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इन बदमाशों ने फरीदाबाद और गुड़गांव में दर्जनों झपटमारी और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया हुआ है। दरअसल मोबाइल झपटमार गिरोह ने अधिकांश वारदातों को फरीदाबाद में ही अंजाम दिया है, जबकि वाहन चोर गिरोह ने फरीदाबाद और गुड़गांव में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। वाहन चोर गिरोह के कब्जे से पुलिस अब तक 7 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 1 ऑटो तथा 1 कार भी बरामद की है। वही मोबाइल झपटमार गिरोह के सरगना पुष्पेंद्र कुमार की माने तो उन्होंने केवल फरीदाबाद में ही मोबाइल झपटमारी की घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन अब पकड़े जाने पर वह पछतावा कर रहे हैं। यूपी का क्या काम करते हो? फोन छीने थे। छीने थे? किस किसने छीने थे और कब कब से छीन रहे हो? जी एक डेढ़ महीना हो गया। एक डेढ़ महीने से? हाँ जी। तो कितने फोन छीने अब तक? जी 20-25 फोन छीने थे। तो कैसे छीनते थे फोनों को? जी मोटरसाइकिल पे। तुम और कौन कौन रहते थे? जी मैं, विक्की, सूरज। ज्यादातर कैसे लोगों को छीनते थे? लड़कों से। कैसे लड़कों से? गरीब तबके से या हाई फाई मोबाइल? कहाँ बेचते थे फिर उन मोबाइलों को? जी बेच देते थे यार दोस्तों पे। किस खातिर, किस कारण से ये काम करते थे? क्या सर वैसे ही? कब से कर रहे हो इस काम को? सर एक डेढ़ महीना से बस। एक तो मोबाइल स्नैचिंग का जो गैंग है वो हमने पकड़ा है, जिसमें 3 लड़के अरेस्ट किए गए हैं, और ये मोस्टली ये इन्होंने मोटरसाइकिल है वो भी इनसे बरामद की है हमने, इन्होंने यूपी वाले से खरीद रखी है, यूपी के नंबर से ही चल रही है। और ये सड़क के साथ साथ जो लोग चल रहे थे, चलते चलते उनके कान पे जो मोबाइल सुन रहा है या हाथ में झपट्टा मार के मोबाइल फंस रहे थे, तो इनसे टोटल 20 मोबाइल बरामद किए गए हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट कर लिया। टोटल कितने आरोपी हैं और कहाँ से आपने गिरफ्तार किया? ये मोबाइल स्नैचिंग में 3 आरोपी हैं और ये लोकल यहीं से मुजसरगी रेंज से गिरफ्तार किए हैं, और 2 के उसमें केस रजिस्टर्ड है हमारे पास, लेकिन जो बाकी मोबाइल बरामद है उनके केस रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने 102 CRPC में कब्जे में ले लिया है, और कोशिश करेंगे कि जिनके मोबाइल हैं उनका ट्रेस आउट करके उनको वापस दें। ज्यादातर किस एरिया को ये अपना टारगेट बनाते थे, कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते? ये अलग अलग जगह से कर रखी है। फरीदाबाद से हलचल टीवी के लिए विक्रम भारद्वाज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।